हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो नोटिस जो है वो है आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी डिक्रीज के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, उस नोटिस में बताया गया है कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसे कम कर दिया गया है, घटा दिया गया है, और 35,277 से घटाकर 10,648 वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी में कर दी गई हैं। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स और बहुत ज़्यादा मेल्स आ रहे थे, तो मैं कुछ मेल्स और कमेंट्स के तो उनको रिप्लाई दे चुका, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में इसलिए आए तो मैंने सोचा एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए जिससे सभी को उसका आंसर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में मेल का कितना जो है रिप्लाई किया जाए, मैंने काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई कर चुका हूँ। और ये नोटिस जो है शाम से आ रहा है, और फिर शाम से आ रहा है, मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई थी, मैं सोच रहा था, फिर उसे देखा मैंने, वेबसाइट सभी चेक की कि क्या ये सच में नोटिस आया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन ऐसा किसी भी वेबसाइट पर नोटिस नहीं आया हुआ है। तो देखेंगे क्या ये रियल है फेक है, तो इस वीडियो हम शुरू से अंत तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, पेटीएम का कैशबैक चल रहा है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में फोरपन एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फोरपन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद तुरंत ही 50 रुपये का कैशबैक इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। 50 रुपये मिलने के बाद चाहे पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मैंने जो लिंक दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप फोरपन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, तभी आपको 50 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है नोटिफिकेशन जो यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस सीएन नंबर 01/2019 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 अक्टूबर का एक नोटिफिकेशन है जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर आपको एक शॉर्ट तरीके से बताऊं तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल भी फेक है, इस पर आप भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको गलती बताऊंगा, क्या गलती है, किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन फेक है। बोला गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म डेट इंडियन रेलवे इज इम्प्रूविंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गिविंग प्रायोरिटी टू प्राइवेटाइजेशन, सो हायरिंग प्रोसेस विल बी थ्रू IRCTC। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंडियन रेलवे है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इम्प्रूव कर रहा है, और जो है प्राइवेटाइजेशन को जो है की प्रोसेस हायरिंग कर रहा है। ठीक है, अब जो वैकेंसी बताया जा रहा है कि अब जो वैकेंसी होगी वो IRCTC के द्वारा निकाली जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि NTPC वैकेंसी 2019 आर डिक्रीज फ्रॉम 35,277 टू 10,648 टू डिक्रीज द वर्डन ऑन इंडियन रेलवे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि 35,277 से 10,648 वैकेंसी को घटा दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज के टाइम में 21 जो रेलवे जोन है जो NTPC भर्ती परीक्षा कराएंगे, तो ऐसा होता तो सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाता। लेकिन मैंने शाम जो मेरे पास नोटिस आया था मेल के थ्रू, इसलिए मैंने इस वीडियो को प्रोवाइड नहीं कराया था, क्योंकि मैंने इस चीज़ को चेक किया था, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक किया, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिस था ही नहीं, इसलिए मैंने वीडियो अभी तक प्रोवाइड नहीं कराई थी। लेकिन जब मेरे पूरी तरह से मैं सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद आपको वीडियो लेकर आया। इंडियन रेलवे इज कमिटेड टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टू इट्स पैसेंजर। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आप इस वर्ड को देखिएगा, इसमें आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर एल की तरफ साइड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये आप रेलवे के किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये आप यहाँ कह सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है एडिट किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो ये है, पैसेंजर की स्पेलिंग आप क्या ये है, ये आप देख सकते हैं, पैसेंजर की स्पेलिंग आप सभी को पता है क्या होगी, लेकिन पैसेंजर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दे रखी है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती एक और ये है कि जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता तो CEN नंबर, यानी कि इस तरह से लिखा होता है CEN नंबर, उसके बाद लिखा होता है 01/2019, लेकिन यहाँ दे रखा है नोटिस नंबर CN। ठीक है, तो ये गलती पकड़ मारी है, CN के बाद नंबर लिखा होता है, लेकिन CN से पहले इन्होंने नंबर लिख दिया है। तो सबसे बड़ी गलती एक तो ये है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं 15/10/2019 की डेट में है, और चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ऐसा नोटिफिकेशन बनाने की जो अपने आप से फ्री होगा, अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहता है, बिल्कुल भी फ्री है, वही ऐसे नोटिफिकेशन को बनाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, यहाँ पर जिसके पास काम होता है, अपनी जॉब लेना चाहता है, तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई छात्र इसको काम नहीं करता है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है ऐसे में, तो ऐसे नोटिफिकेशन पर आप भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा।
और फ्रेंड्स फिलहाल ये था अपडेट, आपको क्या कहना है इस नोटिफिकेशन के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको 4PON एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 4PON एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, तुरंत ही 50 रुपये कैशबैक आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।